हेलो एवरीवन, मैं विपांची गोस्वामी। आज का डेट है 8 जुलाई 2020। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज के करंट अफेयर्स है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारा जो वेबसाइट जो है स्टडी राइज का, उसको हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको 2020 के जो करंट अफेयर्स है मार्च, अप्रैल और मई के, उन सभी के कंपाइलेशन मिल जाएंगे। और यहाँ आपको धीरे धीरे जो हमारे जो वीडियोज़ है, इन्फॉर्मेशन अपलोड किए जाते हैं चैनल पर, सभी के कंपाइलेशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसका लिंक मैंने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो इसको चेक करना प्लीज मत भूलिएगा। और ये अभी पीडीएफ में भी उपलब्ध है, तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ अभी सेल चल रही है, बहुत ही कम रेट में ये आपको उपलब्ध होगा। तो प्लीज इसको चेक करना मत भूलिएगा। चलिए आज के डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का पहला जो टॉपिक है, इंडियन रेलवेज जो है वो अभी नेट जीरो कार्बन एमिशन नेटवर्क बाय 2030, उसमें ये ट्रांसफॉर्म होने वाला है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो इंडियन रेलवेज़ ने जो है ये डिसाइड किया है कि अभी 2030 तक एक जो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, उसमें अभी ख़ुद को ट्रांसफॉर्म करने का जो एक जो एसेंशियल स्टेप्स है उसको लेने के लिए डिसाइड किया है। और इसको अचीव करने के लिए रेलवे मिनिस्ट्री ने जो है अभी ऑन इट्स वैकेंट अनयूज लैंड ऑन अ लार्ज स्केल, उसमें अभी जो सोलर पावर प्लांट्स है उसको इंस्टॉल करने के लिए भी डिसाइड किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अभी COVID-19 के लिए जो वैक्सीन जो है, तो इंडिया के मतलब ह्यूमन ट्रायल्स के लिए रजिस्ट्रेशन को अभी 7 जुलाई से शुरू किया जा रहा है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और इन रिस्पॉन्स टू द डायरेक्शंस बाय ICMR, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ द इंस्टीट्यूट्स जो है उन्होंने अभी 7 जुलाई 2020 से फर्स्ट फेज ऑफ द ह्यूमन ट्रायल फॉर द COVID-19 वैक्सीन जो है उसके लिए सब्जेक्ट एनरोलमेंट प्रोसेस को शुरू किया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स जो है अभी इट इज़ नो लॉन्गर एसेंशियल आइटम्स नाउ, सो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी लीना नंदन ने जो है 7 जुलाई को ही घोषणा किया है कि फेस मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर्स जो है वो अभी मोर एसेंशियल आइटम्स में से नहीं है, क्योंकि इसका जो सप्लाई जो है वो भारत में सफिशियंट है, और इसीलिए जो है इट विल नाउ बी कैप्ट आउट ऑफ द रेंज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। और पहले जो था, इंडियन कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो है 13 मार्च 2020 को ये मतलब 100 डेज के लिए जो कि हैंड सैनिटाइजर्स एंड फेस मास्क को एज एन एसेंशियल कमोडिटीज इनको डिक्लेयर किया था, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ ओडिशा ने जो है 23,848 करोड़ रुपीज़ का रेकमेंड किया है, तो ये उससे से रिलेटेड टॉपिक है। तो ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 फाइनेंशियल ईयर 2020-21 to 2025-26 एन अमाउंट ऑफ ₹23,848 करोड़ फॉर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस PRIs एंड अर्बन लोकल बॉडीज ULBs जो है ओडिशा के स्टेट में, उनको अभी फिफ्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ ओडिशा के द्वारा 7 जुलाई 2020 को रेकमेंड किया गया, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड का जो सेकेंड लार्जेस्ट टायर 4 डिज़ाइन डाटा सेंटर NM1 है, उसको हाल ही में इनोग्रेट किया गया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 7 जुलाई 2020 को अभी वर्चुअली जो है इंडिया का और इंडिया और एशिया का जो लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट अप टाइम टायर 4 डिज़ाइन सेंटर डेटा सेंटर है, उसको इनोग्रेट किया गया था। और ये जो डेटा सेंटर जो है उसका नाम योटा NM1 और NM1 है, जो कि इनसाइड द 600 एकड़ हीरानंदनी फॉर्चून सिटी एंड नवी मुंबई पनवेल रीजन में ये लोकेटेड है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडिया का जो फर्स्ट मशीन ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स टेस्ट है, ये उसी के बारे में है। तो पुणे बेस्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने जो है अभी एक जो 7 जुलाई 2020 को एक जो कार्ट्रिज बेस्ड मशीन है जिसका नाम कॉम्पैक्ट एक्सेल है, उसको लॉन्च किया है। और ये अभी जो है जो कि सेम टाइम पर है, जो कि टेस्ट और हैंडल मल्टीपल सैंपल्स है उसके लिए ये सक्षम है।
और मशीन जो है वो अभी जो कि लेबोरेटरी टेक्नीशियंस का जो मतलब ज़रूरत जो है लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के उसको रिड्यूस करेगी, उसके नीड को रिड्यूस करेगी फॉर हैंडलिंग एंड टेस्टिंग सैंपल्स टू वन। जबकि एक जो इंडिविजुअल जो है, एक जो व्यक्ति है, वो खुद ही मतलब इस मशीन को ऑपरेट करने में सक्षम होंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भूटान बाउंड्री विथ चाइना हैजन बीन डेमार्केटेड अंडर निगोशिएशन विद चाइना। तो चाइना के साथ जो है भूटान का बातचीत चल रहा है, जो कि चाइना और भूटान के जो बाउंड्रीज जो है उनके ऊपर। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने जो है ये जो लास्ट वीक को क्लेम किया कि भूटान के साथ जो बाउंड्री जो है उसको अभी तक सीमांकन नहीं किया गया है, और अभी इसमें जो है दोनों ही देशों के बीच में ईस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न सेक्शंस में लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट्स चल रही है, बातचीत चल रही है। और रॉयल भूटानीज एम्बेसी इन इंडिया जो है उन्होंने ये क्लैरिफाई किया है 7 जुलाई 2020 को, चाइना के जो क्लेम है उसको क्लैरिफाई किया है कि जो अभी भूटान और चाइना के बीच में जो बाउंड्री टॉक्स है वो अभी उस पर अभी बातचीत चल रही है, और उसको अभी तक सीमांकित नहीं किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडिया का जो रैंक जो है अभी JLL and LSL बाइनल ग्रेटी में वो 34th है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स ने जो है अभी रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया में हायर लेवल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी को एनहेंस किया है, बढ़ाया है। और रिजल्ट के तौर पे इंडिया जो है, इंडिया ने अभी बायनल ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स ग्रेटी में जो है अपना रैंक 34th प्लेस तक इम्प्रूव किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है गोल्डन बर्ड विंग्स दैट थ्रोन्स साउदर्न बर्ड विंग्स टू बिकम द लार्जेस्ट बटरफ्लाई इन इंडिया। तो ये भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई बन गया है। तो 1932 में ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर ब्रिगेडियर विलियम हैरी इवेंस, ऑल्सो ए लेपिडोप्टेरिस्ट, अ पर्सन हु स्टडीज और कलेक्ट्स बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स, तो उन्होंने जो है अभी 190 मिलीमीटर एक बटरफ्लाई के साथ, जो कि एक साउदर्न बर्ड विंग ट्रॉइट्स मिनोज बटरफ्लाई है, उसके साथ एक रिकॉर्ड किया था। और तब से लेकर जो है लास्ट 88 ईयर्स के लिए साउदर्न बर्ड विंग बटरफ्लाई को भारत का लार्जेस्ट बटरफ्लाई माना गया है, सबसे बड़ा बटरफ्लाई के तौर पे माना गया, तितली के तौर पे माना गया है। ब्रिगेडियर इवंस जो है उन्होंने बटरफ्लाई को फ्रॉम द सेंटर ऑफ द थोरेक्स टू द टिप ऑफ फोर विंग अपेक्स उनको मेजर किया, मतलब उसको मापा था, मेजर किया था। और एग्जैक्ट मेजरमेंट को ऑप्टेन करने के लिए जो मेजरमेंट का जो आउटकम है उसको डबल कर दिया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो गवर्नमेंट ने जो है अभी जो कि इंजेटी श्रीनिवास का जो अपॉइंटमेंट जो है एज चेयरमैन ऑफ IFSC है उसको अप्रूवल दिया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी कैबिनेट की जो अपॉइंटमेंट्स कमिटी है उनके द्वारा अभी इंजेती श्रीनिवास को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA के चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट किया है। और ये जो न्यूज़ जो है उसको अभी 6 जुलाई 2020 को जो एक जो रिलीज नोटिस रिलीज़ किया गया था, ऑफिशियल नोटिस एक जो रिलीज़ किया गया था उसी के ज़रिए इसको कंफर्म किया था इस न्यूज़ को। और नोटिस के अनुसार 1983 बैच IAS ऑफिसर ऑफ ओडिशा कैडर एंड द फॉर्मर कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी जो है वो अभी 3 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के पीरियड के लिए, एक अवधि के लिए IFSCA के हेड होंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विराट कोहली जो है वो अभी अंडर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट स्कैनर है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी संजीव गुप्ता के द्वारा एक जो क्वेश्चन उठाया गया था ऑन हिज करेंट पोजिशन इन अ मेल टू द BCCI एथिक्स ऑफ ऑफिसर्स DK Jain, उसी के बाद इंडियन स्कीपर विराट कोहली जो है वो अभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट स्कैनर के अंडर है। और गुप्ता ने जो है पहले भी अभी इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इश्यूज जो है वो लीजेंडरी इंडियन क्रिकेटर्स के अगेंस्ट किया था, जिसमें सचिन तेंदुलकर, VVS लक्ष्मण एंड करंट BCCI प्रेसिडेंट सौरव गांगुली शामिल है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
तो आज के लिए इतना ही है, कल हम फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, और कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, और हमारी वेबसाइट को भी चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसका जो आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्डवर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।